मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए इस अवसर पर मिठाइयां बांटकर जमकर आतिशबाजी की। मसूरी में इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से सत्ता पक्ष बौखला गया है और उन पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और इसका जवाब लोकसभा के चुनाव में जनता देने को आतुर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया, जो राहुल गांधी जी की सजा पे जो रोक लगाई, हम उच्चतम न्यायालय का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं कि भाजपा जितना उनको रोकने की कोशिश करेगी, इस देश में राहुल गांधी का नाम उतना ही ऊंचा होता जाएगा और वो कुछ भी कर ले, आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि जनता जानती है कि अब कांग्रेस ही इस देश को आगे विकास की ओर ले जाने वाली और पुरानी पार्टी है, और आगे बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी ही 2024 के चुनाव में विजयी होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।